हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज का जो वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ आंसर की अपलोड कर दीजिए। एक्चुअली मैं आंसर की अपलोड नहीं करने वाली थी क्योंकि आप पहले से टेंशन क्यों लेना। आप एग्ज़ाम दे तो दे ही दिए हैं, अब चाहे गलत ख़राब हो या अच्छा जैसा भी हो, आप तो एग्ज़ाम दे ही दिए हो ना, तो क्या आप अभी से टेंशन लेकर क्यों बैठोगे? जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। अब पहले से क्या होता है ना कि अगर इंसान पहले ही आंसर जान लेता है तो उसको टेंशन हो जाता है कि यार इतना ज़्यादा गलती हुई। हाँ, जिनका सही हुआ है वो लोग तो हैप्पी हो जाते हैं, बट जिनका ख़राब होता है तो वो लोग थोड़े टेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती थी कोई भी टेंस हो, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बट मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी FB पे, ईमेल पे, यूट्यूब के कमेंट में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ आंसर की अपलोड कर दीजिए, तो इस वजह से मैं आंसर की अपलोड कर रही हूँ। मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया था जो जिसमें मैंने आपको कुछ साइट्स बताई थी जहाँ से आप अपने तैयारी कर सकते हो, तो उस पर कोई आई थिंक ऐसे नाम है, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या कमेंट किया था कि ये सब फर्जी है। तो यार ठीक है, आपको फर्जी लग रहा है तो ठीक है ना, आप लोग वहाँ अपना बहस क्यों कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो फालतू की, किसी भी टॉपिक पर आप लोग लेके बहस कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है ना। जिन्हें यूज़फुल लग रहा है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि AKTU वालों ने फर्स्ट टाइम MCQ क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं से उठा के ही दे रहे हैं, तो इस बारे में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप खुद सोचो, जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे अगर आपको कुछ मिल जाए पढ़ने के लिए तो क्या बुराई है? और जहाँ उन्होंने कहा था कि बुक से पढ़ लें, तो बुक से इंसान जो पढ़ सकता है वो पढ़ लेगा, बट इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के बुक्स को हर एक लाइन वाइन लाइन पढ़े समझे, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि बस बना बनाया खाना मिल जाए और हम खा लें, कोई ये नहीं चाहेगा कि हम बैठ के बनाएं। तो यार जब किसी को मिल रहा है तो मिल रहा है, जिसको हेल्प लग रही है वो हेल्प ले रहा है अपने, जिसे नहीं लग रहा है वो ना ले। हम ये तो नहीं ना कह रहे कि आप लोग भी आके पढ़ो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है मत पढ़िए, बट यार ऐसे बहस करना नहीं अच्छा लगता है। चैनल पे कमेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, ये सही चीज़ नहीं है, आप लोग भी जानते हो, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए, बट हाँ जो लोग देख रहे हैं, जिन्हें पसंद है वो करने दीजिए। उनको जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ अगर कुछ मिल जा रहा है तैयारी करने के लिए तो अच्छी बात है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है? तो चलिए, आप लोग से तो बातें बहुत हो गई, आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आ गई होगी। फिलहाल ये जो रिक्वेस्ट आई थी आंसर की वो मैं बता देती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी टॉपिक वाइज, तो ठीक है मैं वो स्टार्ट करूँगी, बट अभी मैं आपको आंसर की बता दूं, इसके बाद से मैं वो चीज़ें स्टार्ट करूंगी। मेरे बैकग्राउंड में थोड़ी सी म्यूज़िक आ रही होगी क्योंकि मेरे मोहल्ले में अच्छा खासा पार्टी पार्टी की इस खुशी में चल रहा है, तो शायद उसी की कुछ आवाज़ें आ जा रही होंगी, तो उन्हें आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, टोटल 70 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का पेपर था, ठीक है? तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार कॉन्फ़िगरेशन टेकिंग एन एज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, देयर विल बी डैश नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट एंड डैश नंबर ऑफ स्विचेस फॉर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन व्हेन ऑल द सब्सक्राइबर आर इंगेज। आंसर आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चैनल सिग्नलिंग डैश, तो आंसर है आपका नीड्स नो एडिशनल ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया कैन बी इफिशियंटली कनेक्टेड यूजिंग, तो आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हो, कितना क्वेश्चन गलत किए हो। और जो नहीं चाहते हैं देखना, जो अभी से टेंशन नहीं लेना चाहते, तो आप लोग मत देखिएगा, आप लोग बिंदास होकर इंजॉय कीजिए, जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, विच ट्रांसमिशन मोड इज यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन अलॉन्ग टेलीफोन लाइन्स, तो आंसर होगा आपका सीरियल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द डैश इज द सर्किट स्विच नेटवर्क वाइल द डैश इज द पैकेज स्विच नेटवर्क, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए टेलीफोन एंड ATM, पहले में टेलीफोन होगा दूसरे में ATM होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रंक आर द लाइंस दैट रन बिटवीन, तो आंसर होगा स्विचिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, अ स्टार कनेक्टेड इंटरमीडिएट एक्सचेंज इज नोन एज, तो आंसर होगा आपका हब एक्सचेंज। नेक्स्ट आप देख लीजिए, टाइम सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी इन, तो आंसर होगा TDM।
इधर देख लीजिए, 9th क्वेश्चन इधर है आपका। इन अ फ्रेम ट्रांसमिशन सीआरसी स्टैंड्स फॉर, तो आंसर होगा आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंड नेटवर्क एवरी सिस्टम इज आइडेंटिफाइड बाय, तो आंसर होगा आईपी एड्रेस। नेक्स्ट है, यूजिंग डैश ईच कनेक्टेड डिवाइस इज असाइंड अ टाइम स्लॉट वेदर और नॉट अ डिवाइस हैज एनीथिंग टू सेंड, आंसर होगा टीडीएम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन अ स्विच कैपेसिटी इज फुल कॉल्स कमिंग इनटू द स्विच आर सेड टू बी डैश, तो आंसर होगा आपका ब्लॉक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच डेवलप इन 1938 हैड फ्यू मूविंग पार्ट्स देन अर्लियर स्विचेस, तो आंसर आपका होगा क्रॉस बार, ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजी आवर ट्रैफिक इज द, तो आंसर होगा ट्रैफिक ड्यूरिंग पिक आवर। नेक्स्ट है, द फाइनल सेलेक्टर इज कनेक्टेड टू द डैश, तो आंसर होगा कॉल्ड सब्सक्राइबर। नेक्स्ट है, एस पी सी स्टैंड्स फॉर, तो आंसर आपका बी है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉमन चैनल सिग्नलिंग इन एस एस सेवन इज, तो आंसर होगा इन बैंड कंट्रोल चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलंग इज यूज टू, तो आंसर होगा मेजर बिजी पीरियड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ टेलीफोन सिस्टम विथ इक्वल नंबर ऑफ सर्वर एंड सब्सक्राइबर द ग्रेड ऑफ सर्विस इज डैश एज देयर इज ऑलवेज अ सर्वर एवेलेबल टू द सब्सक्राइबर, तो आंसर आपका होगा जीरो, यानी कि ऑप्शन ए इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क विद पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज नोन एज, तो आंसर होगा फुली कनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद है, एस पी सी इज यूज फॉर, तो आंसर होगा कैरिंग एक्सचेंज कंट्रोल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विच इज डैश एंड एस एंड एफ, यानी कि स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग इज डैश, तो पहले में होगा आपका टेलीफोन, दूसरे में होगा पोस्ट और टेलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन ट्रैफिक इज मेजर्ड एज, तो आंसर होगा इलंग, यानी ऑप्शन सी इज ट्रू। 24th क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग लाइन फाइंडर आर कनेक्टेड टू द डैश, तो आंसर होगा आपका कॉलिंग सब्सक्राइबर। नेक्स्ट है आपका, कंपेंडिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग डैश विथ रिस्पेक्ट टू सिग्नल, तो आंसर होगा आपका क्वांटाइजेशन नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सिंगल स्टेज नेटवर्क, तो आंसर होगा आपका देयर इज रिडंडेंसी। नेक्स्ट है, सिंगलिंग ट्रांसफर पॉइंट एग्जिट इन, तो आंसर होगा एस एस सेवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज, तो आंसर होगा हाफ डुप्लेक्सर। नेक्स्ट है आपका, अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फिगरेशन इन विच ऑल डाटा स्लैश इंफॉर्मेशन पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज, तो आंसर होगा स्टार कंप्यूटर, सॉरी स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट है, एन इम्पॉर्टेंट टर्मिनल डैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन डी टी एंड पी एच टी एन इज, तो आंसर होगा मॉडम। नेक्स्ट है, ट्रैफिक इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन, तो ये ऊपर जो ऑप्शन ए बी सी है ये तीनों ऑप्शन आपके ट्रू है, तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैकेज स्विचिंग इज यूज फॉर, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस सी सी पी कहते हैं एंड मैसेज ट्रांसफर पार्ट एम टी पी टुगेदर आर रिफर्ड टू एज, तो आंसर होगा आपका नेटवर्क सर्विस पार्ट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच काइंड ऑफ स्विचिंग टेक्निक इंडिकेट्स द ट्रांसफर ऑफ कोर्स वैल्यू फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो आंसर आपका हो जाएगा स्पेस स्विचिंग। 35th क्वेश्चन देख लीजिए आप, वॉट इज द हार्डवेयर यूज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन एज अ इलेक्ट्रिकल पाथ बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट पेयर इन स्विचिंग सिस्टम नोन एज, तो आंसर आपका बोथ ए और बी बोथ आर ट्रू, तो यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका स्विचिंग मैट्रिक्स और ऑप्शन जो बी है स्विचिंग नेटवर्क, ये दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल कॉल टू द नंबर ऑफ कॉल अटेम्प्ट इज नोन एज, तो आंसर होगा आपका कॉल कंप्लीशन रेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ इज द रिलेशन बिटवीन इलम एंड सी सी एस स्पेसिफाइड,
तो आंसर जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ डेस्क फॉर विच द सर्वर सीम टू बी बिजी। तो आंसर होगा आपका टाइम। नेक्स्ट है, बाय विच नेम इज द ग्रेड ऑफ सर्विस वेल नोन। तो आंसर है कॉल कॉन्ग्रेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन मैसेज स्विचिंग सिस्टम एंड इनकमिंग मैसेज गेट डैश स्पेशली इफ द रिक्वायर्ड रूट इज बिजी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है, स्टोर्ड इन अ क्वी एंड रीट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ स्विचिंग नेटवर्क इन्वॉल्व द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन टू स्टेशन। तो आंसर होगा आपका सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पैकेट स्विचिंग व्हाट इज द हेडर ऑफ इच शॉर्ट साइज ऑफ पैकेट कंसिस्ट ऑफ। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। इन मैनुअल स्विचिंग विच काइंड्स ऑफ बैटरी एक्सचेंज हैज द प्रोविजन ऑफ सब्सक्राइबर सेट अलोंग विथ मैग्नेटो जनरेटर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है लोकल बैटरी एक्सचेंज, वो आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 44। इन एनालाइजिंग द ट्रैफिक परफॉर्मेंस हाउ इज द नंबर ऑफ ट्रंक डिसाइडेड विद द प्रोविजंस ऑफ ग्रेड ऑफ सर्विस स्पेशली फॉर लार्जर ग्रुप। तो आंसर होगा आपका बी, बाय ओवरऑल कंडीशन। नेक्स्ट है, विच मॉडल ऑफ लॉस सिस्टम अलाउ द यूजर्स ऑफ प्रोविजंस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर ट्रैफिक एनालिसिस स्पेशली बाय एज्यूमिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ यूजर्स। आंसर होगा आपका लॉस्ट कॉल क्लियर। इन टू स्टेज नेटवर्क विच फिनोमिना अकर ड्यू टू इम्पॉसिबल कनेक्टिविटी ऑफ गिवन इनकमिंग ट्रंक टू सिलेक्टेड आउटगोइंग ट्रंक स्पेशली बिकॉज ऑफ लिंक यूटिलाइजेशन फॉर अदर कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्विच। तो आंसर होगा आपका ब्लॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ स्विचिंग सिस्टम डज नॉट कंप्राइज एनी सब्सक्राइबर कंसनट्रेटर एंड एक्सपेंडर। तो आंसर होगा आपका टैंडम। विच सिग्नल इज रिगार्डेड एज कॉल प्रोग्रेस सिग्नल एज दे आर सेंड बैक टू इंफॉर्मेशन द कॉलर अबाउट द प्रोग्रेशन ऑफ द कॉल। तो आंसर होगा आपका स्टेटस सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट द नेसेसिटी ऑफ ट्रंक ड्यूरिंग द सिग्नलिंग मैकेनिज्म। तो आंसर होगा इन चैनल सिग्नलिंग। इन नेटवर्क मैनेजमेंट मैनेजिंग द रेट एट विच द ट्रैफिक एंटर्स और नेटवर्क इज नोन एज डैश। तो आंसर होगा फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी एडॉप्टेड एज द डेडिकेटेड पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन द सर्किट स्विच। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों ऑप्शन जो ऊपर दिए हुए हैं वो सब ट्रू हैं। 52 क्वेश्चन देख लीजिए, इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सेंटर द ट्रांसमिशन रेट ऑफ X.25 प्रोटोकॉल इज डैश 9.6 kbps। तो आंसर होगा ग्रेटर दैन। इन सेलो टेलीफोन नेटवर्क विच कंपोनेंट्स कंट्रोल द स्विचिंग बिटवीन पब्लिक वायरलाइन टेलीफोन नेटवर्क एंड द बेस स्टेशन ऑफ सेल फॉर सपोर्टिंग द डिफरेंट कॉल्स बिटवीन लैंडलाइन मोबाइल एंड मोबाइल टू लैंडलाइन एंड मोबाइल टू मोबाइल कॉल। तो आंसर है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सेंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ यूजर मैसेज फ्रॉम नोड्स टू अनदर बाय मीन्स ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग नेटवर्क इज नोन एज। तो आंसर होगा होप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द डैश एड्रेस इन द हेडर ऑफ द पैकेट इन अ डाटाग्राम नेटवर्क नॉर्मली रिमेन द सेम ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ द पैकेट। तो आंसर होगा आपका डेस्टिनेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ATM ट्रांसमिशन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ फिक्स साइज सेल ऑफ डैश बाइट्स ईच। तो आंसर होगा 53। नेक्स्ट है, HDLC stands for, तो ऑप्शन ए है आपका ट्रू, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉमन चैनल सिग्नलिंग। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू होगा, नॉन ट्रंक्स आर रिक्वायर्ड फॉर सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज डिफाइंड एज डैश इन टर्म ऑफ मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स एंड मीन टाइम टू रिपेयर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। इन डैश ऑफ ड्यूअल प्रोसेसर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम विच सेंट्रलाइज्ड HPC हार्डवेयर कपलिंग इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू प्रोसेसर एंड दिस प्रोसेसर एजुकेटेड द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंपेयर द रिजल्ट कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन बी जो है आपका
सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड ऑफ ऑपरेशन, वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल फॉर विच अ सर्वे इज ऑक्यूपाइड टू टोटल पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आंसर आपका ए है, ट्रैफिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड ऑफर टू द नेटवर्क इन टर्म ऑफ एवरेज कॉल अराइवल रेट एंड एवरेज होल्डिंग टाइम पर कॉल इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ अ डिले सिस्टम इज, तो आंसर जो है आपका ए है वो ट्रू होगा, मीन कॉल अराइवल रेट अपॉन मीन कॉल सर्विस रेट लेस देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टॉर्शन कॉज्ड ऑन टेलीफोन लाइन बाई एंड एडजेसेंट वन इज कॉल्ड डैश, तो आंसर होगा आपका क्रॉस टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश स्विचिंग द पाथ इन द सर्किट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर स्पेशली, तो आंसर जो आपका होगा स्पेस डिवीजन, ऑप्शन सी इज ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन थ्री स्टेज स्पेस डिवीजन स्विच इफ एन इज इक्वल टू 200 द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट इज डैश, तो आंसर होगा आपका लेस देन 40,000। नेक्स्ट है, इन अ बनियान स्विच फॉर 8 इनपुट एंड 8 आउटपुट वी हैव डैश माइक्रो स्विच एट ईच स्टेज, तो आंसर होगा आपका सी यानी कि 4। नेक्स्ट है, अ स्विच इन अ डाटाग्राम नेटवर्क यूजेस अ राउटिंग टेबल दैट इज बेस्ड ऑन डैश एड्रेस, तो आंसर होगा डेस्टिनेशन। लास्ट क्वेश्चन है, अ डैश स्विच कंबाइन स्पेस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन टेक्नोलॉजीज टू टेक एडवांटेज ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ, तो आंसर होगा TST। तो टोटल सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग को अपने क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग का कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।